हे फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज का टॉपिक है कार्डियक साइकिल सो लेट्स स्टार्ट द कार्डियक इवेंट्स डेट अकर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट आर कॉल्ड कार्डियक साइकल so एक हार्ट बीट के स्टार्ट होने से नेक्स्ट हार्ट बीट के स्टार्ट होने तक जो कार्डियक इवेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल

थ्रू हर्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा तो रेस्टिंग स्टेज में एक मिनट में हार्ट बीट सेवेंटी टू टाइम्स होती हैं अराउंड और इस एक मिनट में हर्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा फाइव लीटर ऑफ ब्लड पम्प किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में द सीरियल वाइज ऑफ सीक्वेंशियल चेंजेस विच टेक प्लेस इन हार्ट इस कॉल्ड कार्डियक साइकिल इस सीरियल वाइज और सीक्वेंशियल चेंज को जो हार्ट में होता है उसे कहते हैं कार्डियक साइकिल तो ये कार्डियक साइकिल की दूसरी डेफिनेशन है फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी सेकंड ये है सीरियल वाइज सीक्वेंशियल चेंजेस विच टेक प्लेस इन हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया स्टम एज एट्रियल सिस्टोल एंड द रिलैक्सेशन एट्रियल डाइस्टोल एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं एट्रियल सिस्टोल और एट्रिया के रिलैक्सेशन को कहते हैं एट्रियल डाइस्टोल ये सारे टर्म्स आप अभी समझ लीजिए क्योंकि जब आगे हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारे टर्म्स यूज होंगे सेम वे द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल इस टर्म डेज वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डाइस्टोल रिस्पेक्टिवली जा वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल को हम कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डाइस्टोल। द टाइम ऑफ कार्डिक साइकिल इज़ द रिवर्स रेशियो ऑफ हार्ट बीट पर मिनट कार्डिक साइकिल का जो टाइम होता है वो हार्ट बीट का रिवर्स रेशियो होता है एक मिनट में इफ़ हार्ट बीट पर मिनट इज सेवेंटी टू दैन द टाइम ऑफ कार्डियस साइकिल इज सिक्सटी बाई सेवेंटी टू इक्वल्स टू पॉइंट एट सेकेंड यहाँ पर यह कैलकुलेट करके बताया है कि पॉइंट एट सेकेंड होता है कार्डियस साइकिल का टाइम जो हम हार्ट बीट का रिवर्स रेशियो है तो हार्ट बीट होती है सेवेंटी टू पर मिनट यानी वन मिनट इक्वल्स टू सिक्सटी सेकेंड तो सिक्सटी बाई सेवेंटी टू इक्वल्स टू पॉइंट एट सेकेंड अब से एक कार्डियक साइकिल का टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया है तो एक कार्डियक साइकिल में जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डाइस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल, ठीक है तो एक का एक कार्डियक साइकिल का टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है एट्रियल सिस्टोल होता है पॉइंट वन सेकेंड एट्रियल डाइस्टोर होता है पॉइंट सेवन सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है पॉइंट थ्री सेकेंड का और वेंट्रिकुलर डाइस्टोल होता है पॉइंट फाइव सेकेंड का ये देखिए पॉइंट वन सेकेंड पॉइंट सेवन सेकेंड दोनों को कम्बाइन करेंगे तो ये पॉइंट एट सेकेंड हो रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल पॉइंट थ्री सेकेंड का वेंट्रिकुलर डाइस्टोल पॉइंट फाइव सेकेंड का जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो रहा है पॉइंट एट सेकेंड तो एट्रिया के जो इवेंट्स होते हैं वो भी पॉइंट रेट सेकेंड के होते हैं और वेंट्रिकल के जो इवेंट्स होते हैं वो भी पॉइंट रेट सेकेंड्स के होते हैं और पॉइंट रेट सेकेंड कैसे आया हार्ट बीट का रिवर्स रेशियो जॉइंट डाइस्टोल पॉइंट फोर सेकेंड का होता है पीरियड ड्यूरिंग विच इंटायर हार्ट इज इन डाइस्ट्रोल ये वो पीरियड है जहाँ पर पूरा हार्ट डाइस्ट्रोल स्टेज में होता है अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो ये देखिए डायग्राम के थ्रू समझाया ये आउटर सर्कल एट्रिया के एट्रिया है और इनर सर्कल वेंट्रिकल है ठीक है यहाँ पर पूरी टाइमिंग दी हुई है पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन एंड पॉइंट एट जो ये इवेंट्स हैं जो ये डार्क किए हुए हैं ये हैं सिस्टोल और ये इवेंट्स हैं डायस्टोल तो एट्रिया में आउटर सर्कल एट्रिया है तो एट्रिया का सिस्टोल होता है पॉइंट वन सेकेंड का और वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होता है वो होता है पॉइंट थ्री सेकेंड का आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सो दैट्स ऑल फॉर टू डे फ्रेंड्स वे ये एट्रियल सिस्टोल एट्रियल डायस्टोल वेंट्रिकल सिस्टोल वेंट्रिकल डायस्टोल को थोड़ा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब